आज मैं आप लोग को बता रही हूँ मिष्टी छोला दाल बंगाली स्टाइल, जो बंगाल में बहुत फेमस है। सबसे पहले जो चना दाल है, जिसको छोला दाल हम लोग बोलते हैं, उसको प्रेशर कुक करना है 15-20 मिनट के लिए। उसमें अपने थोड़ा सा नमक एंड थोड़ा सा हल्दी के साथ प्रेशर कुक करेंगे। हमने यहाँ प्रेशर कुक करके दाल को तैयार रखा है। एक पैन में हमने व्हाइट ऑयल लिया है। सबसे पहले हमें जो करना है, ये नारियल के फ्लेक्स है, इसे हमें तलनी है। और इसके साथ तलनी है हमें ये जो किशमिश है, इसको हल्का ब्राउन जब हो जाए, इसको तल के हल्का ब्राउन जब हो जाए तो इसको अलग से रखना है। ये हमने तल के इसको साइड में रखा है। अब उसी तेल में हमें डालना है सूखा मिर्चा, तेज पत्ता, साबुत जीरा, ये लौंग, इलायची एंड दालचीनी, इसको मिलाना है। जब ये थोड़ा स्प्लटर होने लगे, तब इसमें डालनी है, ये हमने अदरक को थोड़ा सा क्रश करके रखा है, वो डालनी है। अब इसमें डालनी है थोड़ा सा हींग, ये हींग डाला है हमने। अब इसको थोड़ा स्टर करना है। अब इसमें हम डालेंगे जो दाल हमने कुक करके रखा था। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि थोड़ी सी हल्दी हमने पहले डाल लिया था। इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, याद करिए, करके रखिएगा कि थोड़ा सा नमक आपने पहले डाला था। फिर डालेंगे इसमें शुगर, ये जो मिष्टी छोला दाल है, मीठा छोला दाल, इसमें जो मीठापन आएगा शुगर से, किशमिश से, नारियल से, तो उसको दिमाग में रखते हुए आप डालेंगे इसमें शुगर। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए, हम इसमें डालेंगे कश्मीरी रेड चिली, ये थोड़ा सा अपने कलर के लिए डालना है। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए, जीरा पाउडर। इसे हम घर में ही फ्रेशली ग्राउंड किया हुआ है, जैसे कि मैं पहले भी रिपीट करती आई हूँ, कोई भी पाउडर हम लोग बाहर का जनरली यूज नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि घर में ही हम बनाएं। अब इसमें डाल देंगे हम 4-5 हरा मिर्च स्लिट किया हुआ। अब इसको मिला के अब जब सब अच्छी तरह से मिल जाए, तो अब इसमें डालिएगा आप नारियल एंड किशमिश। ये सबको अच्छी तरीके से मिलाना है। अब जब बॉईल पे आ जाइए, तो इसे ढक के सिमर करके जस्ट 10 मिनट रखिएगा, क्योंकि दाल तो पहले ही कुक हो गया था। 10 मिनट हम इसलिए रखेंगे ताकि सारे स्पाइसेस और सारे जो भी हमने डाला है, वो अच्छा से उसके जो भी एरोमा है, गुण है, उसमें आ जाए। तो हमने ढक दिया, इसको नीचे करना है, फॉर 10 मिनट सिम करना है। अब करीब 10 मिनट हो गए हैं, ये देखिए कितना सुंदर सा कलर आ गया है, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रखनी है। ये रेडी है मिश्री छोला दाल। इट्स वेरी टेस्टी, इट्स अ वेरी फेमस रेसिपी ऑफ बंगाल, एंड दिस कैन बी सर्व्ड विद पराठा, पूरी, पुलाव, इवन राइस। लेकिन जो लूची होता है, मैदा का जो पूरी होता है, उसके साथ ये सबसे ज्यादा, उसी के साथ ये अच्छा लगता है। सो दिस इज मिष्टी छोला दाल फ्रॉम आवर किचन।